ओके, सो दिस इज वेयर वी स्टॉप. हमें बात करना था अबाउट फिजिकल फोर्स थ्योरीज. तो यहाँ पे सबसे पहली जो थ्योरी है दैट इज कॉल्ड एज कैपिलरी फोर्स थ्योरी. कैपिलरी वाटर ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि जो रूट के सेल्स होते हैं उनके बीच में जो पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम कैपिलरी वाटर कहते हैं. तो आप समझ सकते हो कि जो कैपिलरी वाटर होता है वो कितना कम होता होगा रूट्स के अंदर, या फिर कितना लेयर वाइज वो प्रेजेंट रहता है वहां पर. काफी कम बेड होता है उस वाटर मॉलिक्यूल का. ठीक है, तो यहाँ पर कैपिलरी फोर्स थ्योरी उन्हीं की बात कर रही है. और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ट्रैकेट्स एंड वेसल्स होते हैं वो यहाँ पर कैपिलरीज की तरह काम करेंगे, जो कि उन वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने थ्रू दूसरे प्लांट पार्ट्स तक पहुंचाते हैं. ठीक है, और जो फोर्स यहाँ पर एक्टिव होगी पानी के मॉलिक्यूल्स को दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए, उस फोर्स को भी हम कौन से फोर्स के नाम से जानेंगे? उसको हम जानेंगे बाय द नेम ऑफ कैपिलरी फोर्स. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, सपोज वी आर टेलिंग कि ये एक वेसल है. ठीक है, तो ये जो जाइलम के वेसल्स हैं यहाँ पे से जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसको ऊपर जाना है. तो जब वाटर मॉलिक्यूल को ऊपर जाना है ना, और वो भी कौन सा वाटर है यहाँ पे आपके पास? कैपिलरी वाटर है. तो इसकी जो शिफ्टिंग है वो कैसे होगी? वो यहाँ वॉल्स पे चिपक कर जाएगा. अगर आप यहाँ वाटर मॉलिक्यूल का प्रेजेंस देखोगे तो वो क्या करेगा, वो एक बहुत ही पतला सा लेयर जो है वो इस पर्टिकुलर यहाँ जो वेसल्स और ट्रैकेट्स की जो वॉल है इनके ऊपर एक बहुत ही थिन सी लेयर बनाता है, और वहां से उसकी जो शिफ्टिंग है वो दूसरे सेल्स तक होती है या फिर प्लांट के जो दूसरे पार्ट्स हैं वहां तक होती है. ठीक है, तो ये वाला जो कंसेप्ट है ट्रांसफर ऑफ वाटर का दैट इज एक्टिवेटेड बिकॉज ऑफ द कैपिलरी फोर्स, क्योंकि पानी भी कैपिलरी है, जो शिफ्टिंग हो रही है वो भी कैपिलरीज के थ्रू हो रही है, और जो कैपिलरीज हैं वो ट्रैकेट्स एंड वेसल्स हैं. तो ये जो थ्योरी बनी दैट इज कॉल्ड एज कैपिलरी फोर्स थ्योरी. ऑल्दो बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है, बट हाँ, दिस थ्योरी इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग. ये गलत भी नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ट्रैकेट्स और वेसल्स जो है वो शिफ्टिंग तो करते हैं, बट कैपिलरी फॉर्म में करते हैं या नहीं, या कैपिलरी फोर्स होते हैं या नहीं, ये बहुत ज्यादा हमारे पास प्रूवन नहीं है. तो दिस थ्योरी इज नॉट रॉन्ग बट इट इज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड. दूसरी होती है इम्बिबिशन फोर्स थ्योरी. जब आप इम्बिबिशन फोर्स थ्योरी को देखेंगे तो इसको दिया था एंगर एंड वॉन सैक्स ने, एंड इनके अकॉर्डिंग जो इम्बिबिशन फोर्स होती है, इम्बिबिशन आपको सिखाया गया था, मैंने आपको बताया था कि इम्बिबिशन में इतनी ताकत होती है दैट इज अ सरफेस फिनोमिनन, जिससे पानी का पार्टिकल पहले किसी भी रॉक के या सीड के सरफेस पे जाता है, फिर उसके बाद वो उसके अंदर रिसता है और फिर उसको इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है जिसकी वजह से वो पत्थरों को भी घिस देता है. तो दैट वॉज द कंसेप्ट ऑफ इम्बिबिशन वी लर्न. तो यहाँ पे इम्बिबिशन फोर्स जो होती है जो कि जाइलम वॉल पे से लगती है दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग वाटर मॉलिक्यूल अपवर्ड. तो आप बताइए कि क्या इम्बिबिशन फोर्स के पास इतनी ताकत हो सकती है कि वो वाटर मॉलिक्यूल्स को बहुत ज्यादा हाइट तक रेस कर पाए? इज इट पॉसिबल कि इम्बिबिशन फोर्स जो है वो वाटर मॉलिक्यूल को बहुत ज्यादा हाइट तक रेस कर पाए? बिल्कुल हो भी सकता है, बट द ओनली थिंग दैट इज जहां पर हमें डाउट आएगा या जहां पे हमें प्रॉब्लम हो सकती है वो ये होगी कि जो इम्बिबिशन होता है दैट इज सरफेस फिनोमिनन, और सरफेस फिनोमिनन हमेशा हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर वाटर का एब्जॉर्प्शन हो गया तो फिर सरफेस फिनोमिनन जो इम्बिबिशन होता है वो नहीं रहा. तो दैट इज कंडीशनल पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, थोड़ी सी कंडीशनल है यहाँ पे चीजें, कहाँ पर? जब हम बात कर रहे हैं इम्बिबिशन फोर्स थ्योरी की. क्लियर? द लास्ट इज चेन थ्योरी. लास्ट में इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि इसके बाद तो जो हमारी थ्योरी है दैट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी. तो ये चेन थ्योरी की बात करते हैं, ये भी एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू है, जेमिन ने दिया था. इन्होंने कहा कि यहाँ पे ऐसी चेन बनती है, और वो चेन किसकी होती है? लेयर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की एंड लेयर ऑफ एयर की. ठीक है, मतलब उन्होंने क्या पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि यहाँ पे सपोज एक लेयर है जो हमारे पास एयर की है, तो जो दूसरी लेयर होगी वो वाटर मॉलिक्यूल की होगी, अगेन एक लेयर जो है वो एयर की है, अगेन जो लेयर होगी वो वाटर मॉलिक्यूल की होगी.
ऐसा वो बोल रहे थे। और ये जो अल्टरनेट लेयर्स होते हैं वाटर के, एयर के, वाटर के, एयर के, इनके बीच में एक जरा सा रिदम चलता है। और वो रिदम कैसा होता है कि जो लेयर ऑफ एयर होता है जब वो फैलेगा या वो एक्सपांड करेगा, तो उसके फैलने की वजह से जो वाटर की लेयर है उसके ऊपर वो धक्का खा के शिफ्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है लॉजिक क्या होगा कि यहाँ पे एयर की जो लेयर है दैट इज गोइंग टू एक्सपैंड। ठीक है, मैं क्या बता रही हूँ, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि से सपोज यहाँ पर वाटर की एक और लेयर हम मान लेते हैं, तो व्हाट ही इज सेइंग कि जो एयर की लेयर है दैट इज गोइंग टू एक्सपैंड, ये फैलेगी। तो आप ही सोचिए कि जब ये लेयर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ एक्सपैंड करेगी तो ये वाटर मॉलिक्यूल को ऊपर की तरफ धक्का मारेगी या नहीं मारेगी। ठीक है, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू पुश वाटर का लेयर ऊपर, जितना वो फैली वाटर का लेयर उतना दूर हो गया, सो दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर शिफ्टिंग वाटर मॉलिक्यूल अप। तो क्या ये बात आपको ज्यादा एक्सेप्टेबल लग रही है, यस और नो? कुणाल, एयर का एक्सपेंशन तो होता ही है बेटा, उसका कोई रीजन नहीं है। जो एयर होती है या आप गैस मान लो एयर की जगह पर, एयर में गैस तो होगी होगी, तो व्हेन इट इज गोइंग टू गेट हाई टेम्परेचर इट इज गोइंग टू एक्सपैंड, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर भागते हैं, तो इन दैट केस उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और जितनी दूर तक गैस का पार्टिकल प्रेजेंट होगा उतना ज्यादा उसकी वॉल्यूम है, मतलब उसका की एक्सपेंशन हुआ है। इज इट क्लियर कुणाल, अभी समझ में आया? तो ये जो चेन थ्योरी थी, यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ व्यू था, और उसके बाद हमारे पास जो फिजिकल फोर्स थ्योरी आई, वो फिजिकल फोर्स थ्योरी जो है वो सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड है, और वो जो वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है दैट इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ डिक्सन एंड जॉली का थ्योरी, या फिर इसको हम ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी कहते हैं, या फिर यू कैन कॉल इट कोहेजन एडिशन फोर्स थ्योरी। ठीक है, अब सबका रीजन एक एक करके आप समझेंगे। मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, मैंने पहले ही बता दिया। अब इस थ्योरी में पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि वाटर की शिफ्टिंग के लिए तीन कॉम्पोनेंट्स होंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, तीन अलग तरह के कॉम्पोनेंट्स या तीन अलग तरह के फोर्सेस होंगे दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल हियर फॉर शिफ्टिंग द वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो पहला जो यहाँ पर कंपोनेंट होगा वो होगा कोहेजन कंपोनेंट। कोहेजन कंपोनेंट कहिए या फिर यू कैन से कोहेजन फोर्स। ठीक है, कोहेजन फोर्स क्या होती है? इट इज सच अ टाइप ऑफ फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दो एक जैसे मॉलिक्यूल जो हैं उनके बीच में जो फोर्स होती है बायोलॉजिकली या यहाँ के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, हम उसको कौन सा फोर्स कहते हैं? वी कॉल इट कोहेजन फोर्स। ठीक है, तो अब क्योंकि वाटर की शिफ्टिंग हम देख रहे हैं तो वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट विल बी कॉल्ड एज कोहेजन फोर्स या कोहेसिव फोर्स। क्लियर? अब देखो इस कोहेजन फोर्स से हमें फायदा क्या होगा? जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे क्योंकि वो कोहेजन फोर्स के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, ठीक है, तो यहाँ इनके बीच में एक कंटिन्यूस चेन बनेगी वाटर मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि ये सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ कोहेसिव फोर्स, तो एक कंटिन्यूस वाटर कॉलम जनरेट होगा जो कि जाइलम एलिमेंट के अंदर होगा। यस और नो? आप मुझे क्लियर करते जाइए ये स्टेप, क्योंकि हर स्टेप में मुझे आपसे ये पूछना ही होगा, अदरवाइज आपको एक साथ सब कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, वॉटर कॉलम की जनरेशन इज क्लियर, वो कोहेजन फोर्स की वजह से हुई। अब नेक्स्ट वाला जो फोर्स हमारे पास यहाँ एक्टिव होता है वो होता है एडिशन फोर्स। एडिशन फोर्स क्या कहता है? ये एक ऐसा तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अब आप थोड़ा समझ लीजिए कि इसका काम हमें कहाँ पड़ेगा। वाटर और वाटर के बीच में जो फोर्स थी वो थी कोहेजन, उसके थ्रू हमने कंटिन्यूस वाटर कॉलम बना लिया, कंटिन्यूस वाटर कॉलम जाइलम एलिमेंट्स के अंदर बना। तो आप खुद ही सोचिए कि जाइलम एलिमेंट सपोज ये रहा और इस जाइलम एलिमेंट के अंदर
हमें वाटर कॉलम को हवा में तो नहीं लटकाना है, क्योंकि अगर वाटर कॉलम जो है वो हवा में रहेगा ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता साइंस के अकॉर्डिंग, तो आपको उस वाटर कॉलम को किसी दूसरी चीज से चिपकाना होगा, ठीक है। तो वो दूसरी चीज यहाँ पर कौन होंगी, वो होंगी जाइलम एलिमेंट्स के वॉल्स, ठीक है। तो दिस कंटिन्यूस वाटर कॉलम दैट इज गोइंग टू स्टिक विथ जाइलम वॉल, और जब वाटर कॉलम और जाइलम वॉल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगी तो वो कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, वो होगी एडिसिव फोर्स, या फिर उसी को आप कहोगे एडिशन, ठीक है। क्योंकि ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में सेटअप होती है, तो आपके दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कौन है, जाइलम का वॉल और वाटर कॉलम। वाटर कॉलम को अगर आपको ऊपर लेके जाना है तो आपको उसको जाइलम के वॉल के साथ चिपकाना ही होगा, एंड दैट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ एडिशन फोर्स, क्लियर। तो ये दो कॉम्पोनेंट्स आपके पास एक्टिव हो गए। अब तीसरा कॉम्पोनेंट क्या होगा, तीसरा कॉम्पोनेंट हमें वो चाहिए जो सीधा इस वाटर कॉलम को ऊपर लेकर जाए, ठीक है। तो वो तीसरा कॉम्पोनेंट होता है यहाँ पर ट्रांसपिरेशन पुल। अब आप ट्रांसपिरेशन पुल से मतलब तो समझ ही गए, मतलब हमने स्टार्ट किया था कि प्लांट की वाटर डिमांड बढ़ गई, अब आप देखो कि ट्रांसपिरेशन पुल से हम वापस घूमकर वहीं आ गए, ठीक है। ट्रांसपिरेशन पुल से हम वापस उसी कंसेप्ट पे आ गए, कैसे, ट्रांसपिरेशन होता जा रहा है जिसकी वजह से वाटर की डिमांड बढ़ती जा रही है, बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीजिंग वाटर डिमांड रूट्स में जो पानी है उस पानी को ऊपर खींचा जाएगा, और वो पानी ऊपर क्यों खींचा जा रहा है, क्योंकि जब आप एक पत्ते का स्ट्रक्चर देखेंगे तो पत्ते के स्ट्रक्चर में ट्रांसपिरेशन होता जा रहा है, बिकॉज ऑफ रैपिड ट्रांसपिरेशन वहां का जो डीपीडी है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, वो हाई होता जा रहा है। जब भी डीपीडी हाई होगा, जब भी ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, तो वाटर डिमांड ऑफ द प्लांट बॉडी विल इंक्रीज। व्हेन वाटर डिमांड इज गोइंग टू इंक्रीज, तो ट्रांसपिरेशन जो है वो पानी को ज्यादा ऊपर खींचता जाएगा ताकि दूसरे पार्ट्स को पानी मिल सके, ठीक है। तो दैट इज गोइंग टू पुल अप दैट वाटर कॉलम अपवर्ड्स। तो जो वाटर कॉलम अप ऊपर जाएगा, दैट इज बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल, एंड दिस इज हाउ कोहेजन, एडिशन एंड ट्रांसपिरेशन पुल आर गोइंग टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन। अभी ये तीनों कॉम्पोनेंट और पूरा प्रोसेस आप लोगों को समझ में आया। एसेंट ऑफ सैप ना लोग जब भी बोलते हैं तो ऐसे कन्वे होता है कि ये बहुत ही टफ टॉपिक है, या बहुत ही क्या बोलना चाहिए, इसमें बहुत सारी समझदारी लगनी है, बट आप समझ रहे होंगे कि ये कितना ईजी है इफ यू आर एबल टू रिलेट वन कॉम्पोनेंट टू द अदर एंड सेकेंड कॉम्पोनेंट टू द थर्ड। अगर आप ये कर पा रहे हो, आप वहां पर चीजों को रिलेट कर पा रहे हो, तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही ईजी होती हैं। ऑल राइट, तो अभी मुझे ये बताइए, इज देयर एनी वन ऑफ यू हैविंग एनी डाउट इन एनी वन ऑफ द कॉम्पोनेंट। कोहेजन ने क्या किया, वॉटर कॉलम बनाया। सेकेंड क्या है, वॉटर कॉलम को अगर आप जाइलम एलिमेंट के अंदर रख रहे हो, दैट इज ट्रैकेड एंड वेसल, तो आपको भी पता है कि वो कॉलम हवा में तो जनरेट नहीं होगा, उसे हमें जाइलम की वॉल से स्टिक करना पड़ेगा, सो दैट उस वॉल की मदद से वो चिपक के या फ्लो करके ऊपर की तरफ जाए, उसका सपोर्ट ले। तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड दैट सपोर्ट, व्हाट वी डिड, दूसरे तरह का फोर्स यहाँ पे एक्टिवेट हुआ, दैट इज एडिशन फोर्स। उसने उस वॉटर कॉलम को किसके साथ स्टिक किया, जो जाइलम का वॉल था, ठीक है। जब जाइलम के वॉल के साथ उसकी स्टिकिंग हो गई, आफ्टर दैट सपोर्ट भी मिल चुका है और जो कॉलम है वो भी कंटिन्यूस बन चुका है बिकॉज ऑफ कोहेजन एंड एडिशन। तो हमारे पास एक ही काम बाकी था कि अब इस वाटर कॉलम को कैसे भी ऊपर पहुंचाना है। तो जब हम उसको ऊपर ऊपर की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो कॉम्पोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज वन ऑफ द खींचने वाला कॉम्पोनेंट, एंड दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है। ट्रांसपिरेशन पत्तियों में हो रहा है, पत्तियां ऊपर की तरफ होती हैं, पानी आप रूट्स में डालते हैं, तो इमेजिन करिए ऊपर से पानी जो है वो इवेपोरेट होके बाहर जा रहा है प्लांट बॉडी से। जब वो बाहर जाते जा रहा है
तो ऑब्वियसली बात है प्लांट बॉडी के अंदर वाटर डिमांड बढ़ती जा रही है. इन ऑर्डर टू कोप अप विद दैट वाटर डिमांड बिकॉज ऑफ रैपिड ट्रांसपीरेशन हम क्या कर रहे हैं, पानी को अंदर खींचते जा रहे हैं. एंड दैट इज वाई वॉटर जो है दैट इज पुल्ड अपवर्ड्स. ठीक है, ऊपर की तरफ से जो खिंचाव आ रहा है वो पानी को अपनी तरफ बुलाएगा. इस तरीके से ये तीनों कॉम्पोनेंट्स जो हैं दे आर गोइंग टू कम्प्लीट एसेंट ऑफ सैप. ये तीनों कॉम्पोनेंट्स का जो भी अभी हमने कोऑर्डिनेशन सीखा या इनका जो भी डिस्क्रिप्शन अभी तक हमने देखा है, ये आप समझ गए होंगे कि इसी के थ्रू हमारे पास जो चीजें हैं वो एफिशिएंटली ऊपर की तरफ शिफ्टिंग शो करेंगी. तो इज देयर एनीवन हु इज हैविंग एनी डाउट इन दिस थ्योरी? आप में से किसी को भी अभी ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी में कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है? यस और नो? नो डाउट. ठीक है, तो एक बार आप ये चीज डायग्रामेटिकली यहां से देख लीजिए. जब आप डायग्रामेटिकली इन चीजों को देखेंगे तो आपको यहां पर दिखाई देगा कि क्या चीज कैसे हो रही है. ठीक है, यहाँ देखो ये तो बहुत ही डिटेल वाला डायग्राम है जो मैंने आपके लिए पुट अप किया है, बट मैं बिल्कुल इस बात पे श्योर हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस डायग्राम को भी बिल्कुल एफिशिएंटली बिना प्रॉब्लम के समझ सकते हैं. ऑल्दो अभी आपने एनाटॉमी नहीं सीखी है, बट जिस तरीके से हमने चैप्टर पढ़ा है मैं बहुत श्योर हूँ कि आप ये डायग्राम समझ जाएंगे. तो अब आप लोग बताइए कि मेरी श्योरिटी सही है या नहीं, आप ये डायग्राम समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे? फर्स्ट डायग्राम की बात हो रही है, विल यू ऑल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट और नॉट? ओके, वेरी गुड. तो यहाँ पर आप देखो, आपको दिख रहा होगा कि ट्रांसपिरेशन पुल जो है वो यहाँ पे कैसे एक्टिवेट होता है. तो ट्रांसपिरेशन पुल इसी तरीके से एक्टिवेट होता है कि कैसे, यहाँ पर एपिडर्मिस क्यूटिकल ग्राउंड टिश्यू, आप सबसे पहले रूट हेयर से शुरू करेंगे. ठीक है, आपको यहाँ पे जो वाटर की मूवमेंट पढ़नी है दैट इज फ्रॉम डाउन टू अप. तो रूट हेयर से स्टार्ट करिए. फिर देखिए सॉइल पार्टिकल्स में कैपिलरी वाटर होता है, वो दिया गया कहाँ, एपिडर्मिस कॉर्टेक्स ऑफ रूट को. फिर ये पहुंचा जाइलम तक. जाइलम में देखिए वाटर का कंटिन्यूस वाटर कॉलम जनरेट हुआ बिकॉज ऑफ कोहेजन एंड एडिशन. जब कोहेजन एडिशन के थ्रू ये वाटर कॉलम कंटिन्यूस जनरेट हो गया तो बिकॉज ऑफ हेल्प ऑफ द ट्रांसपिरेशन पुल उसकी मदद से ये ऊपर की तरफ जाता जाएगा. और ये जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है ये लीफ का है, मतलब कि पत्ती का, जहां से पानी बाहर भी जाता है विद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. बहुत ही आसान कंसेप्ट है. ठीक है, और अगर आपको ये डायग्राम क्लियर नहीं होता है देन यू कैन सी द बाजू वाला डायग्राम. बाजू वाला डायग्राम इज टेलिंग यू द थिंग्स मच मोर सिंपली. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर भी सेम चीज हो रही है बट इन अ सिंपलर मैनर. तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ये नीचे वाला एरिया है जहां पे रूट की बात हो रही है. तो रूट में से जो वाटर है इट इज गोइंग टू जनरेट अ कंटिन्यूस वाटर कॉलम, जाइलम के थ्रू मूव करता जाएगा डिफरेंट पार्ट्स में. ठीक है, और लीफ का कंडीशन क्या है, लीफ में हो रहा है आपके पास रैपिड ट्रांसपिरेशन. ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन का जो रेट है दैट इज क्वाइट हाई, रैपिड ट्रांसपिरेशन हो रहा है जिसकी वजह से जो इसकी डीपीडी है वो भी हाई हो रही है. एंड दैट इज द रीजन की वाटर लॉस होता जा रहा है विच इन टर्न इज इंक्रीजिंग वाटर डिमांड ऑफ द प्लांट बॉडी. ठीक है, तो इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? आज का जो कंसेप्ट है एसेंट ऑफ सैप का, क्या आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, क्या उस चीज में किसी को कोई भी डाउट है? ओके, समबडी जस्ट पोस्टेड मी अ डाउट, मैं देख लेती हूँ वो क्या है. पार्थ इज आस्किंग मैम टुवर्ड्स रूट कब होता है? पार्थ ये तो कभी नहीं हो सकता बेटा, ये विधि के विधान के खिलाफ है. ठीक है, विधि का विधान समझते हैं, यूनिवर्सल रूल होता है उसको हिंदी में कहते हैं. तो ये तो बिल्कुल खिलाफ है भाई, आप खुद ही बताओ ऊपर से पानी नीचे कैसे आ सकता है? पार्थ आप कभी ऊपर पानी देते हैं क्या पौधे को? इट इज डेफिनेटली इफेक्टिव बट वोंट इट टेक टाइम. एरो दिया है, कहां पर एरो दिया है, कौन से डायग्राम में आपको ये दिख रहा है कि वो रूट की तरफ आ रहा है? रूट की तरफ तो कोई भी एरो नहीं आ रहा है पानी का, चेक करिए. तो
सेकेंड डायग्राम में, सेकेंड डायग्राम में सारे एरो को आप देखिए, वो ऊपर ही जा रहे हैं। नीचे कौन सा एरो आ रहा है? नीचे जो एरो आ रहा है ना, वो छोटे वाले एरो आ रहे हैं, और जो छोटे वाले एरो हैं वो आपको फूड की ट्रांसलोकेशन दिखा रहे हैं। ठीक है, फूड की ट्रांसलोकेशन। और प्लस देखो, यहाँ पे जो देव का कहना है दैट इज ऑल्सो वेरी मच ट्रू, कि जो उल्टा मूवमेंट है वॉटर का वो भी ऑब्वियसली होगा, क्योंकि आप अगेंस्ट द ग्रेविटी गए हो। ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटी आप जब जा रहे हो, तो जब आप अगेंस्ट ग्रेविटी जाओगे तो उससे क्या होता है, आपको भी पता है। आप ऐसा इमेजिन करो कि आप गाड़ी चढ़ा रहे हैं पहाड़ के ऊपर, तो ठीक है, ऑल्दो आप एक्सीलेटर मार के गाड़ी को चढ़ा तो लेंगे ऊपर, बट देयर अ पॉइंट विल कम कि गाड़ी थोड़ा पीछे भी तो जाएगी ना। तो यहाँ जो छोटे वाले एरो हैं, आप ऐसा मानिए, अगर आप इसी कंसेप्ट के से रिलेट करके जा रहे हैं तो दैट विल बी कि जो वाटर मॉलिक्यूल पीछे की तरफ खसक भी रहे हैं, उनको भी लेटर ऑन वाटर कॉलम में ज्वाइन किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ कौन सा फोर्स, एडिसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स, और उनको भी कंटिन्यूस वाटर कॉलम में एड किया जाएगा। बट हाँ, जो वाटर मॉलिक्यूल आपको पीछे आते दिख रहे हैं, या अगर आपको लग रहा है कि कुछ मॉलिक्यूल जो है वो पीछे धक्का खा रहे हैं, तो दैट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल, वो बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो कंडीशन इज हो सकता है, बट अगर आप ऐसा पूछेंगे कि वो पीछे कब होता है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली। ठीक है, पीछे कब होता है वाली बात नहीं है, उसका कोई अलग से हमारे पास कंसेप्ट नहीं है। बट हाँ, कुछ पार्टिकल जो कि पूरे पूरे वाटर मॉलिक्यूल तो एफिशिएंटली मूव नहीं कर सकते, तो जिनका मूवमेंट पीछे खसकाया जा रहा है, आप ये उनको मान के चलिए। ऑलराइट, और किसी को अब कोई भी डाउट है, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन इन दिस कंसेप्ट? नो, फाइन। तो अब हम